राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यथार्थ पथ में। संस्कृत एवं संस्कृति से जुड़ने के लिए तथा कर्म कांड एवं पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की वीडियो में हम पूजन से पूर्व होने वाले संकल्प के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, सुपाड़ी, चंदन तथा द्रव्य लेकर के 3 बार उच्चारण करें, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। आइए प्रारंभ करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे तिथिर्विष्णुस्तथा वारं नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च कर्णश्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णुः। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28वें युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्तस्य अमुक देशांतर्गतेन। आप जिस देश में बैठ करके पूजन या संकल्प कर रहे हो उस देश का नाम उच्चारण करें। अमुक क्षेत्रे जो क्षेत्र हो वहाँ का उस क्षेत्र का नाम उच्चारण करें। अमुक नामनस्य ग्रामे नगरे उस ग्राम या नगर का नाम उच्चारण करें। श्री गंगा यमुनयो रमुक दिग्भागे गंगा या यमुना से जिस दिशा में बैठ करके यह पूजन कर रहे हों उस दिशा का नाम उच्चारण करें। देव ब्राह्मणानां सन्निधौ श्रीमन्नपति वीर विक्रमादित्य समयतो अमुक संख्या परिमिते प्रवर्तमान संवत्सरे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये अमुक नाम संवत्सरे। वर्तमान में जो संवत्सर चल रहा हो उस संवत्सर का नाम उच्चारण करें। अमुकायने जो भी अयन चल रहा हो उत्तरायण या दक्षिणायन उस अयन का नाम उच्चारण करें। अमुक ऋतु जो भी ऋतु चल रही हो उस ऋतु को उच्चारण करें। अमुक मासे उस माह का नाम उच्चारण करें। अमुक पक्षे कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष जो भी हो उस पक्ष का नाम उच्चारण करें। अमुक तिथौ जो भी तिथि हो प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा अमावस्या पर्यंत उस तिथि का नाम उच्चारण करें। अमुक वासरे 7 वारों में जो भी वार हो उस दिन उस वार का नाम उच्चारण करें। अमुक नक्षत्रे नक्षत्र का नाम उच्चारण करें। अमुक योगे जो भी योग हो उस समय उस योग का नाम उच्चारण करें। अमुक करणे उस करण का नाम उच्चारण करें। अमुक राशि स्थिते चंद्रे जिस राशि में चंद्रदेव विराजमान हो उस राशि का नाम उच्चारण करें। अमुक राशि स्थिते श्री सूर्य जिस राशि पर सूर्य विद्यमान हो उस राशि का नाम उच्चारण करें। अमुक राशि स्थिते श्री देव गुरु जिस राशि में देवगुरु विराजमान हो उस राशि का नाम उच्चारण करें। शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु
सत्सु एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नस्य। आपका जो भी गोत्र हो उस गोत्र का नाम उच्चारण करें, अथवा जिस यजमान के निमित्त यह अनुष्ठान कर रहे हो उस नाम यजमान का नाम उच्चारण करें। अमुक शर्मणा, अगर ब्राह्मण हो तो शर्मा, और अमुक जातियों में वर्मा, गुप्त और दास्य, ऐसा कह करके उच्चारण करें। सपरिवारस्य ममात्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयुरारोग्यैश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम तथा च मम जन्म राशेः सकासाध्ये केचिद् द्विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थिताः क्रूरग्रहाः तैः सूचितं सूचिष्यमाणं च यत् सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित शुभफल प्राप्त्यर्थं पुत्र पौत्रादि संतति प्राप्त्यर्थं आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थं इंद्रादि दश दिग्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थं धर्मार्थ काम मोक्ष प्राप्त्यर्थं यथा ज्ञानं यथा मिलितोपचार द्रव्यैः। और जिस देवता का पूजन कर रहे हों उस देवता का नाम उच्चारण करते हुए अमुक देवस्य पूजनं करिष्ये, इतना कह करके और संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दें, क्योंकि सत्य संकल्प केवल नारायण है और हमारे संकल्प को पूरा सिर्फ भगवान कर सकते हैं। उसके बाद पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर के पुनः बोलें, तदंगत्वेन गणपत्यादि देवानांच पूजनं अहं करिष्ये। उसके बाद करिष्यामि व इत्यादि कह करके संकल्प की सामग्री भगवान के चरणों में छोड़ने के बाद और हाथ जोड़ करके पुनः फिर गणेश और अंबिका से लेकर के जिन जिन देवी देवताओं का पूजन करना है उन सभी का नाम भी संकल्प में उच्चारण कर लेना है, और फिर उसके बाद पूजन प्रारंभ करना है क्रमशः। अब यहाँ पर संकल्प का कार्य पूरा हो गया। पूरा वीडियो देखने व सुनने के लिए धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो या मन में कोई संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप निश्चिंत हो करके आपका जो भी प्रश्न हो उसको लिख सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।